मराठी में कहावत कही गई है, स्वतः ठेवायचा झाकून आणि दुसऱ्याचं बघायचं वाकून। इसका अर्थ यह होता है कि अपना जो है उसे छुपा के रखना है और दूसरों का है उसे झांक झांक कर देखना है। और एक कहावत कही गई है मराठी के अंदर, जगाला सांगे तत्वज्ञान स्वतः मात्र कोरडे पाषाण। इसका अर्थ यह होता है कि दुनिया को ज्ञान बांटना है, दुनिया को ड्रग्स अवेयरनेस की बातें बतानी है, लेकिन अपने घर में अपनी औलाद क्या कर रहा है उसके ऊपर नजर ना जाना। बॉलीवुड के जो कारनामे हैं अक्सर आप लोग के सामने आते जाते रहते हैं और ऐसा ही कारनामा आज भी सामने आया हुआ है, लेकिन न्यूज चैनल के ऊपर, न्यूज चैनल जो है जो तलवे चाटने वाली मीडिया है, वो ये नाम सामने नहीं ला रही थी कि आखिरकार किसकी औलाद पकड़ी गई है। बॉलीवुड का किंग खान, बॉलीवुड का बादशाह, उसकी औलाद आखिर किस मामले में फंसी है, ये पूरी जानकारी इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। ये पूरा रिपोर्ट न्यूज में मैंने कवर किया है, तो कृपया इसे पूरा देखना और समझना कि जिसको आप अपना आइडल मानते हो उनकी औलादें कैसी होती है। क्रूज गोवा जाने वाला था और उस पर सैकड़ों यात्री सवार थे। क्रूज पर एक ड्रग्स पार्टी होने के बारे में एक गुप्त सूचना मिलने पर एनसीबी की टीम ने छापेमारी की। बाहर से चमकने वाली भारतीय फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड का चेहरा अंदर से कितना काला है, इसका एक और ज्वलंत उदाहरण सामने आया है। खबर के मुताबिक गांधी जयंती की रात्रि मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज पर चल रही हाई प्रोफाइल ड्रग्स पार्टी का एनसीपी ने भांडाफोड़ किया है। मुंबई से गोवा जा रहे एक शिप में ड्रग्स पार्टी हो रही थी, जिसके बीच एनसीबी की टीम ने धावा बोल दिया था। खबर के मुताबिक इस पार्टी में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का नाम भी सामने आया है। उनसे एनसीबी की टीम पूछताछ कर रही है, जबकि 8 लोगों को इस केस में गिरफ्तार कर लिया गया है। ये ड्रग्स पार्टी भी समंदर में चल रही थी, जिस पर छापा मारकर एनसीबी ने तहलका मचाया हुआ है। समंदर में एनसीबी का अब तक का यह सबसे पहला और सबसे बड़ा ऑपरेशन है। शाहरुख खान के बेटे से भी पूछताछ चल रही है। जिस शाहरुख खान को बॉलीवुड में कथित रूप से किंग खान कहा जाता है, बॉलीवुड का सुपरस्टार कहा जाता है, उसी शाहरुख खान का बेटा ड्रग्स मामले में एनसीबी के शिकंजे में है। यह खबर सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। सूत्रों से प्राप्त हुई जानकारी के मुताबिक पूछताछ में बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे ने बताया है कि उन्हें गेस्ट के रूप में बुलाया गया था और उन्होंने पार्टी में शामिल होने के लिए कोई पैसे नहीं दिया। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समिन वानखेड़े ने बताया कि आर्यन को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। एनसीबी से पूछताछ में आर्यन ने यह भी दावा किया कि उस पार्टी में उनके नाम पर लोगों को इन्वाइट किया गया था। सूत्रों ने यह भी बताया कि क्रूज के अंदर चल रही पार्टी का एक वीडियो एनसीबी के हाथ लग गया है, जिसके अंदर आर्यन दिखाई दे रहा है। आर्यन ने पार्टी के दौरान व्हाइट टी शर्ट, ब्लू जींस, रेड ओपन शर्ट और कैप लगा रखी थी। एनसीबी से जुड़े सूत्रों से यह भी पता चला है कि जिन लोगों को पकड़ा गया है उनके पास रोलिंग पेपर भी मिलते हैं। एनसीबी जोनल डायरेक्टर समिन वानखेड़े ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। वे अपनी टीम के साथ मुंबई में उस शिप पर सवार हो गए थे, लेकिन जब शिप बीच समुद्र में पहुंचा, वहां पर एक ड्रग्स पार्टी का आयोजन हुआ। उस पार्टी में बड़े स्तर पर ड्रग्स का सेवन किया गया। खबर यह है कि दिल्ली की एक कंपनी नामस्कैरी एक्सपीरियंस ने इस पार्टी का आयोजन किया था। वहीं एक यात्री की टिकट की कीमत 80,000 रुपए की थी। जिस शिप पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है वो मुंबई की कोरडिलिया क्रूज है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्रूज गोवा जाने वाला था और उस पर सैकड़ों यात्री सवार थे। क्रूज पर एक ड्रग्स पार्टी होने के बारे में गुप्त सूचना मिलने पर एनसीबी की टीम ने यहां छापेमारी की। अधिकारी ने यह बताया कि कुछ यात्रियों के पास प्रतिबंधक मादक पदार्थ बरामद किए गए हैं। साथ ही साथ ये कहा गया है कि यात्री को क्रूज से उतरने नहीं दिया गया और मामले की जांच की जा रही है। अब ये पूरा कवर सुनने के बाद आप लोग को एक चीज मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि आने वाले समय में क्या होगा। पैसों के बलबूते पर आर्यन खान छूट जाएगा, ये केस रफा दफा हो जाएगा, आप लोग के सामने ये सारी चीजें हट जाएगी और बॉलीवुड का जो एक गंदा नजारा है वो आपकी आंखों से धीरे धीरे धूमिल होता जाएगा। यानी कि ड्रग्स के मामले में बॉलीवुड, जिसने पूरे मुंबई को खराब करके रखा है, नॉट इवन मुंबई, पूरे दिल्ली, पंजाब, इवन महाराष्ट्र को पूरी तरह से घिना के रखा हुआ है। महाराष्ट्र इसे एक पवित्र भूमि कहा जाता है, लेकिन आज उसी भूमि के अंदर बॉलीवुड के द्वारा ये ड्रग्स माफिया जिस तरह से काम कर रहे हैं, किस तरह से इन्होंने गिरोह बना के रखा हुआ है, और बॉलीवुड की जो ये तथाकथित अपने आप को सोशलिस्ट कहने वाली लोग हैं, वो अचानक से बॉलीवुड के अंदर ये ड्रग्स का इतना ज्यादा केस सामने आने लगा है, तो उसे देखने के बाद थोड़ी सी पगला गई है और यही होने वाला है आखिरकार। और एक बड़ा सा बड़ा महंगा वकील हायर किया जाएगा आर्यन खान को छुड़वाने के लिए, और आने वाले समय में आर्यन खान छूट भी जाएगा, जैसे कि हमारे उच्च न्यायालय के बारे में अजीत भारती ने बोला और उनकी न्याय व्यवस्था की पोल खुल कर दी, तो अजीत भारती के ऊपर केस चालू कर दिया अवमानना का। तो यही बात हो रखा है अभी आपके हमारे सामने। तो न्याय व्यवस्था पर ज्यादा नहीं बोलते और देखते हैं कि ये जो केस इनके सामने आया हुआ है इस तक कितनी निष्पक्षता के साथ जांच पड़ताल की जाती है। हम भी यही है, आप भी यही है, देखते रहे हिंदुस्तान पॉजिटिव, साथ ही साथ हमारा यूट्यूब चैनल आशुतोष जा थॉट्स। तब तक के लिए जय सनातन।